दिस इज आवर प्रणाम। अरे शुक्रिया शुक्रिया। वो कहा है ना, हमारे यहाँ आजकल आम का सीजन चल रहा है, सोचा तनी थोड़ा सा आपके लिए भी लेके आया था। अब बैठो 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 बैठो। सब करने का क्या जरूरत था आपको? अरे सर, हम तो आपको डिस्टर्ब ही नहीं करना चाहते थे। कहा है कि उड़ता उड़ता खबर सुने हैं कि बीडीओ ऑफिस में कौनो बवाल हुआ है का। हम तो ये भी सुने हैं कि आप पर भी उंगली उठ रहा है। अब बताइए, वो कृष्णा उसका परिवार अपना मनमानी कर रहा है और फंस रहे हैं आप। नहीं पता है बेटा, तुम्हें आज अपमान के दुख से ज्यादा अपनी माँ और भाई के कष्ट का दुख है। वो आज तुम्हें ठीक से समझ नहीं पा रहे बेटा, इसीलिए अपने और अपने परिवार को कभी अपने कर्तव्य पे हावी मत होने देना। भैया जी प्रणाम। अपना भागलपुर के जो डीसी साहब है ना, उनके अंडर में जितना भी गैर सरकारी संगठन माने एनजीओ है, उसका धांधली रोकने के लिए उसका मुहिम शुरू हो गया है। इसका विशेष बात ये है कि उसका जांच का काम जो है हमारा भतीजी कृष्णा को दिया गया। एक बात बताओ, ऐसा कोई जाली चिट्ठी हो और उस पर हमारे भूतपूर्व कर्मचारी विद्या का दस्तखत हो तो? भैया जी, तब तो आराम से उन्हें जाली केस में फंसाया जा सकता है। ई रवि भैया का रवैया दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। तो आपके भाई हमारे ऑफिस में आए और हमको धमकी दे के गए कि अगर हमारा कनेक्शन फ्री में नहीं जोड़ा तो आपका लाइसेंस का कनेक्शन काट देंगे। हम झूठे हैं, निकम्मे हैं, पर ये ना अपनी अफसर वीडियो बिटिया के साथ हमें ही चले जाते हैं इस घर से। तुम इसके बारे में क्या सोची हो? हम एक मंच बनाने का सोच रहे हैं जिसके तहत लोगों का शिकायत और समस्या सीधे हमारे पास पहुंच सके, ताकि हम खुद उस समस्या का समाधान कर सके अपना तरीका से। हम चाहते हैं कि हम इसका शुरुआत अपने घर से करें, जिसके लिए रवि भैया को सबके सामने केबल वाला से माफी मांगना पड़े। क्या रवि माफी मांगने के लिए तैयार होगा? हम अपना तरफ से पूरा कोशिश करेंगे, भैया को मानना ही होगा। मैडम जी, एसडीओ साहब आए, अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। नमस्ते सर। सर आप यहाँ हमको बुला लिए होते? मिस कृष्णाराज, मामला इतना जरूरी और उलझा हुआ है कि हमने यहाँ खुद आना बेहतर समझा। पिछले कुछ दिनों से आपको लेकर मीडिया में अच्छी खासी चर्चा हो रही है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों में काफी सुगबुगाहट, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। आज के बाद आप जो भी करेंगे वो निष्पक्ष करेंगे, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बताइए क्या बात है पिंटू जी? तुम जानते भी हो तुम्हारे इस हरकत से कृष्णा को कितना शर्मिंदगी उठाना पड़ रहा है। जो तुमने केबल वाले के साथ किया उसका सारा दोष कृष्णा प्यार। रवि, एक भाई होने के नाते तुमको कृष्णा को मुसीबत से बचाना चाहिए, ताकि उसको मुसीबत में फंसा देना चाहिए। हेलो कृष्णा, जितने भी ये गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है, उसमें हो रहे घपलों के मामले मेरे सामने आए, जिन्होंने सरकार से काफी पैसे लिए लेकिन सबका गबन कर दिया। सर हमारा जानकारी में भी ऐसा कुछ बात आया, लेकिन किसी खास एनजीओ का नाम सामने नहीं आया। हमारे पास इन सारे एनजीओ की लिस्ट है जो हम आपके ऑफिस में भेज रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसको पहली प्राथमिकता दीजिए और जांच शुरू कर दीजिए। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, जांच के दौरान आपके ऊपर बहुत सारे दबाव आ सकते हैं, लेकिन आप इससे बिल्कुल प्रभावित मत होइए, चाहे वो आपके अपने हो, पैसे वाले हो या बाहुबली। सर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जांच हर हालत में निष्पक्ष होगा। गुड,